बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, बड़ी और अहम जानकारी निगम चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जल्द हो सकते हैं निगम चुनाव का ऐलान। तो बड़ी और अहम जानकारी, गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में होने हैं निगम चुनाव, और बीजेपी ने तीनों निगमों में चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, निकाय मंत्री कमल गुप्ता को बनाया गया है गुरुग्राम का इंचार्ज, रामविलास शर्मा को दी गई है मानेसर की जिम्मेदारी, और सांसद संजय भाटिया फरीदाबाद के प्रभारी बने। तो निगम चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि जिस तरीके से नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी ने परचम लहराया, तो अब निगम के चुनावों में भी बीजेपी पूरे तरीके से तैयार है। कांग्रेस पर निगम में सिंपल, आपको यह भी बता दें, सिंपल पर चुनाव लड़ने का फैसला जो है वो कांग्रेस ने किया है। तो निगम चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जल्द हो सकता है निगम चुनाव का ऐलान। गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में होने हैं निगम चुनाव, और ऐसे में बीजेपी ने तीनों निगमों में चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। निकाय मंत्री कमल गुप्ता को बनाया गया है गुरुग्राम का चुनाव इंचार्ज। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील सिंह जुड़ चुके हैं। सुशील, जानकारी चाहे, यह जल्द ही निगम चुनाव होने वाले हैं। बिल्कुल अनु, देखिए, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर, तीन जो नगर निगम हैं, यहाँ चुनाव की घोषणा होने वाली है। हालांकि अभी इसके डेट डिक्लेयर नहीं किए गए हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने तीन प्रभार नियुक्त किया है, उससे साफ लग रहा है कि ये रणनीति की शंखनाद है। और इस शंखनाद के सहारे स्थानीय निकाय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, उसी तर्ज पर अब नगर निगम की तैयारी शुरू कर दी है, सर्दी शुरू कर दी गई है। इसी साल तीन नगर निगम में चुनाव होने हैं, और इसको लेकर कांग्रेस की जो स्थिति की बात करें तो अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और माना जा रहा है कि कांग्रेस में एक पक्ष ऐसा है जो कंटिन्यू आला कमान पर दबाव बना रहा है, और प्रदेश संगठन पर दबाव है कि वो जल्द से जल्द अपनी रणनीति तय करें और सिंबल पे चुनाव लड़ें। हालांकि दूसरी तरफ अभी तक कांग्रेस की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि वो सिंबल पे लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन स्थानीय निकाय के चुनाव में जिस तरह से 46 निकाय के चुनाव हुए थे और उसमें पार्टी ने सिंबल नहीं चुना था, उससे साफ लग रहा है कि इस चुनाव में पता नहीं निगम के चुनाव सिंबल पे लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन दबाव ज्यादा है, असमंजस की स्थिति कांग्रेस की बनी हुई है। देखना है कि क्या कुछ रणनीति रहती है कांग्रेस। लेकिन सुशील, बात करूंगी मैं, क्योंकि बीजेपी पूरे तरीके से तैयार है, क्या तीनों निगमों के चुनाव जो है बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में लड़ेगी? देखिए, अहम सवाल है, और यह माना जा रहा है कि अभी तक इसका जिस तरह से स्थानीय निकाय का चुनाव जो थे उसमें बीजेपी ने पहले अकेले लड़ने की घोषणा की थी, और उसके बाद दबाव में आकर फिर गठबंधन हुए, कुछ सीट दी गई। अब जो चुनाव है, निगम का चुनाव है, उसमें क्या वास्तव में जेजेपी को एक सीट जाती है या नहीं जाती है, सवाल बना हुआ है। और इसको लेकर जब संगठन से बातचीत की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पूरे मसले को यह कहा जाता है कि जब मीटिंग होगी, अब जो वरिष्ठ संगठन जो है प्रदेश संगठन, वो बैठक में फाइनल करेगा। हालांकि इसको लेकर मंथन चल रहा है और देखना है कि इसको लेकर क्या कुछ फैसला होता है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे कि जल्द ही निगम के चुनाव होने वाले हैं फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर। तो बीजेपी पूरी तैयारियों के साथ बैठी हुई है, चुनाव इंचार्ज जो है उनको जिम्मेदारी